मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ एक एक्स्ट्रा रूम है जिसमें कोई नहीं रहता, तो इसलिए मैंने उसे अपना सेकंड रूम बना लिया और जब भी मैं सैड फील करता तो यहाँ आ जाता। फिर रिजल्ट वाले दिन मॉम डैड ने मुझे बहुत डांटा। अगर आपको भी कभी डांट लगी है तो एक लाइक कर देना। जिसके बाद मैं रोता हुआ अपने सेकंड रूम में आया और वहीं सो गया। मगर बीच रात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने दरवाजे पर सफेद कपड़े पहने एक औरत को देखा, तो मैंने उसे आवाज लगाई, जिसके बाद वो डरावनी चुड़ैल मेरे पास आई और बोली, आइंदा इस रूम में मत आना। फिर मैं बेहोश हो गया और जब अगली सुबह आंख खुली तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद इस रूम में नहीं आऊंगा।